अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बेटा ये आपका लेसन नंबर 17 है आपकी बुक के पेज नंबर 88 पे, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं जो टिक किए गए हैं वो आपको मैं करवा रहा हूँ। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है, कंपेयर करना है आपने एंड डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ड्रा स्टेटमेंट एंड लाइन स्टेटमेंट। ये बेटा आपको तफसीली पढ़ाया गया है। आपको यहाँ पे देखें ये लाइन स्टेटमेंट है उसका पर्पस लिखा हुआ है, इसको लाइन या बॉक्सेस ड्रा करने के लिए यूज़ किया। ड्रा स्टेटमेंट का उसका पर्पस लिखा हुआ है। बेटा ड्रा को हम अदर शेप लाइन और अदर शेप वगैरह, इससे लाइन्स भी होती है लेकिन अदर शेप होती हैं, वो कौन सी ट्राइंगल भी ड्रा की जाते हैं, रेक्टेंगल भी, लेकिन इससे हम बॉक्सेस ड्रा कर सकते हैं लेकिन हम जो है ना ये शेप्स वगैरह ड्रा नहीं कर सकते। ये बेटा लाइन स्टेटमेंट का सिंटैक्स है और ये आपके पास जो है ना इसी तरह यहाँ पे आपने ड्रा का ये सिंटैक्स है आपके पास ड्रा स्टेटमेंट का। बेटा इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या शो करती हैं, वो स्पेसिफाई द कलर और ये इसका लेट इज वैलिड ओनली इन ग्राफिक मोड। ये भी ग्राफिक मोड में वैलिड है, ये भी ग्राफिक मोड में। ये इसके आंसर है जो बेटा आपने अपनी नोटबुक में लिख भी लेने और इनको तैयार भी करना है। ये क्वेश्चन दिया गया था, कंपेयर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रा स्टेटमेंट एंड लाइन स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज ग्राफिक, गिव द नेम ऑफ द ग्राफिक मोड। ये है आपकी बुक का बेटा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। उसका ये आंसर है आपने ग्राफिक की डेफिनेशन लिखनी है और बताना है ये कौन कौन से मोड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। एक टेक्स्ट मोड है, एक मीडियम है और एक हाई रेजोल्यूशन मोड है। इसके बाद बेटा मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं जो बार बार बोर्ड के अंदर आएंगे। पहला है डिफाइंड ग्राफिक, ये भी आपको पढ़ाया है, इसका आंसर भी बताया, आपको होमवर्क भी दिया है। दूसरा बेटा डिस्क्राइब टेक्स्ट मोड, यानी टेक्स्ट मोड कौन 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 डिस्क्राइब करें, ये भी आपको पढ़ाया है बेटा। फिर है डिस्क्राइब यूज़ ऑफ ड्रा स्टेटमेंट, ये भी बेटा आपको पढ़ा दी गई है, ये आपने इसको लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आई हुई है, इसका पर्पस लिखना है, इसका सिंटैक्स लिखना है। इसी तरह बेटा स्टेट हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, ये 2018 में लाहौर बोर्ड में आया है। इसी तरह बेटा व्हाट इज स्क्रीन स्टेटमेंट, स्क्रीन स्टेटमेंट भी लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। फिर इसी तरह बेटा व्हाट आर द 3 ग्राफिक मोड इन बेसिक लैंग्वेज, वो मोड कौन कौन से हैं उनके आपने नेम बताने हैं, टेक्स्ट मोड, मीडियम हाई ग्राफिक मोड, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। एक क्वेश्चन बेटा आता है बार बार, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइन स्टेटमेंट, लाइन स्टेटमेंट और राइट द पर्पज ऑफ द सेंटेंस सर्कल स्टेटमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो बेटा आपने इस चैप्टर में से याद करने हैं, इनको आपने देखना, अगर नहीं लिखे हो तो इनको लिख भी लेना, इन तैयार भी करना। इन 8 क्वेश्चन में से इंशाल्लाह बोर्ड में 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से बेटा लॉन्ग भी आता है अक्सर, कहा आता है डिफाइंड ग्राफिक आल्सो राइट अ सेंटेंस और सर्कल स्टेटमेंट, यानी उसकी डेफिनेशन के साथ किसी भी सर्कल स्टेटमेंट को पूछ लिया या कोई ड्रा स्टेटमेंट के बारे में पूछ लिया। व्हाट इज़ द ड्रा स्टेटमेंट, आल्सो ड्रा ट्राइंगल विद द ड्रा स्टेटमेंट। बेटा ये ड्रा स्टेटमेंट आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई है, वो सारा कुछ आपने लिख देना, उसका प्रोग्राम भी लिखा ट्राइंगल के लिए, वो भी आपने लिख देना, तो ये लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। ये था बेटा आपका लेसन नंबर 17। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बेटा लाजमी आपने देखने हैं कि आपको तैयार हैं या नहीं तैयार, तो तैयार कर लेने हैं और ये कोशिश करें ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है ना बेटा इनको भी आप याद कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।